ऋत्विक धनजानी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऋत्विक अब एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे सब पहचानते हैं। ऋत्विक अपने लुक्स, स्टाइल, फिट बॉडी एंड चॉकलेट बॉय जैसे इमेज की वजह से लड़कियों के क्रश बन चुके हैं। स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स सभी की एक ही ख्वाहिश है कि अगर उनको बॉयफ्रेंड और पति मिले तो ऋत्विक जैसा मिले। ऋत्विक के पावर पैक परफॉर्मेंसेस इन सीरियल्स एंड रियलिटी शोज बोथ एज कंटेस्टेंट एंड होस्ट के तौर पर देखने के बाद उनको टेलीटाउन का रणवीर सिंह टैग करना गलत नहीं होगा। क्योंकि है ऋत्विक की इतनी फैन फॉलोइंग, तो आइए हम बताते हैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको कर देगा क्यूरियस जानने के लिए उनसे जुड़ी कुछ अच्छी बातें। ऋत्विक का जन्म 5 नवंबर 1988 के दिन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। ऋत्विक की फैमिली की बात करते हैं, उनके परिवार में पापा मम्मा के साथ उनकी क्यूट सिस्टर है हीना धनजानी। ऋत्विक के बचपन की बात करते हैं, ऋत्विक बचपन में काफी शरारती बच्चे थे। ऐसा सुनने में आया है कि ऋत्विक अपने मोहल्ले में घूम घूम कर कंचे और गिली डंडा खेला करते थे। इतना ही नहीं, ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन कोई ना कोई नई शैतानी भी किया करते थे। ऋत्विक की स्कूलिंग के बारे में हम आपको बताते हैं, ऋत्विक की स्कूलिंग दुबई से हुई है और उनका ग्रेजुएशन हुआ फ्रॉम द सिटी ऑफ लंदन कॉलेज से। ऐसा सुनने में आया है जब ऋत्विक दुबई में रहा करते थे तब उन्होंने एक्टिंग, थिएटर आर्ट्स और मॉडलिंग करके अपनी एक्टिंग टैलेंट को निखारा था। इतना ही नहीं, ऋत्विक ने कई सारे इवेंट्स की होस्टिंग भी की है। उनके इसी जोश की वजह से ऋत्विक ने एक्टर बनना ठान लिया था। अपने इसी जुनून को और मजबूत करने के लिए ऋत्विक ने मुंबई आकर किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी। भले ही आज ऋत्विक टेलीटाउन के स्टाइल आइकॉन्स में से एक माने जाते हैं, पर क्या आप जानते हो कि वो अपने बचपन में एक आउटफिट से काफी क्लोज थे। एक रिपोर्ट की माने तो ऋत्विक अपनी ब्लैक शॉर्ट्स और रेड टी शर्ट से बहुत ही अटैच थे। चाहे वो गिली भी क्यों ना हो, ऋत्विक वापस से वही पहन लेते थे। अभी फिलहाल ऋत्विक फिटनेस फ्रीक है, पर क्या आप जानते हो कि ऋत्विक एक जमाने में ओवरवेट हुआ करते थे। यस, उनका वजन 113 kg के आसपास हुआ करता था, पर ग्लैमर इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और नतीजा आप सबके सामने है। वेल व्यूवर्स, क्या आप जानते हो कि ऋत्विक का टीवी और ग्लैमर की दुनिया में कैसे डेब्यू हुआ? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऋत्विक ने इस इंडस्ट्री में कदम वाया कमर्शियल्स रखा था। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऋत्विक को उनकी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट के लिए 5,000 rupees बतौर फर्स्ट सैलरी मिली थी। एडवर्टीजमेंट्स में अपना बेहतरीन टैलेंट दिखाने के बाद ऋत्विक बतौर एक्टर दिखे थे NDTV इमेजिन की सीरियल बंदनी में एस पार्थ शशांक मेहता। इस सीरियल के बाद मानो जैसे ऋत्विक की जिंदगी ही पलट गई। माना जाता है कि ऋत्विक को कई ऑफर्स आने लगे थे, बट सबसे अनएक्सपेक्टेड कॉल था कॉल फ्रॉम एकता कपूर फॉर सीरियल पवित्र रिश्ता, जहां उनको अपनी असली पहचान मिली एस अर्जुन। हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज या नंबर बतौर लकी चार्म एग्जिस्ट करता है। सेम इस बत ऋत्विक, ऋत्विक के पास लॉर्ड जीसस का पेंडेंट है जिसे वो अपना लकी चार्म मानते हैं। भले ही आज ऋत्विक एक्टिंग की सारी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, इस फील्ड में कदम रखने से पहले उन्होंने अपने लिए बैकअप प्लान बतौर अल्टरनेटिव प्रोफेशन सोच के रखा था। अगर एक वेबसाइट रिपोर्ट की न्यूज को माने तो ऋत्विक अगर एक्टर ना होते तो वो एक मैजिशियन होते। वैसे भी एक्टिंग फील्ड में उनका जादू देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो वो सचमुच के जादूगर है। रिपोर्टेडली आज भले ही ऋत्विक और उनकी गर्लफ्रेंड आशा नेगी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, बट इट सीम्स ब्रेकअप का डिसीजन और पूरे देश में लॉकडाउन की बुरी हालत उनको डिप्रेशन में ले गया था। ऋत्विक ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के रीसेंट इंटरव्यू में कहा, मेरी लाइफ का ये वक्त बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे। मुझे खुद से खुद को जानने का मौका मिला है। मैं खुद को एग्जामिन कर रहा हूँ एंड गेटिंग टू नो अबाउट मी ऑल ओवर अगेन। चीजों को बिल्कुल नए ढंग से देख रहा हूँ, जैसा मैं पहले बिल्कुल नहीं करता था। मैं फिलहाल भगवत गीता रीड कर रहा हूँ जिससे मुझे सुकून और शांति मिल रही है। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल कह रहा है। अब व्यूवर्स, आपको रूबरू करवाते हैं ऋत्विक की फेवरेटीज से। ऋत्विक के मन पसंद एक्टर्स है ऋतिक रोशन, रोनित रॉय, राम कपूर और काजोल। फेवरेट फैशन ब्रांड है H&M एंड ज़ारा एंड डिजाइनर्स है रोहित बाल एंड मनीष मल्होत्रा। फेवरेट कलर्स है रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। फेवरेट डेस्टिनेशन है दुबई। फेवरेट फिल्म है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन।
एंड फेवरेट फूड है बटर चिकन, भिंडी, चाट, मुगलाई डिशेस, चॉकलेट्स और फेवरेट बेवरेज है कोल्ड कॉफी। तो कैसा लगा आपको ऋत्विक एके अर्जुन के बारे में जानकर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।